हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्ट्रेन। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक वृत्त को एंजॉय किया, वृत्त के टॉपिक्स को देखा, आज हमारा टॉपिक है वृत्त के विभिन्न स्थितियों में समीकरण, यानी कि वृत्त किस किस स्थिति में कैसे कैसे इक्वेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशनों को अगर हम पहले से ही सोच लें कि ऐसी स्थिति में वृत्त का समीकरण क्या होगा, जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्स एक्स को स्पर्श करेगा या वाई एक्स को जब स्पर्श करेगा तब उसका इक्वेशन क्या होगा, अगर हम इन चीज़ों को पहले से एक बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में हमें करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। ठीक है, जैसे कि केस वन ले लेते हैं, केस वन। ठीक है, केस वन ले लिया कि एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। ठीक है, वृत्त का समीकरण और द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस, इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, स्पर्श को बोलेंगे टचिंग। ठीक है, अब हमें इक्वेशन या समीकरण बनाना है। ठीक है, केंद्र हमें गिवन रहेगा, केंद्र क्या गिवन रहेगा, एच कॉमा के। ठीक, ये हमें गिवन है कि एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण बनाना है जिसका केंद्र एच कॉमा के हमें पता है। ठीक, इतनी बात हो गई, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो सोचने वाली बात है। तो हमें क्या गिवन है, हम पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लें, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स एच, और ये वाई एच होता है। क्लियर दोस्तों, ये एक्स एच है, ये वाई एच है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बहुत बेसिक से। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। चलिए भैया, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, ये एक वृत्त है जो एक्स अक्ष को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और जिसका केंद्र क्या है, एच कॉमा के। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, एच कॉमा के इसका केंद्र है और एक्स अक्ष को इस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा भी सर्किल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बोले सर ये भी तो हो सकता है, जैसे ये एक्स अक्ष हो गया ये वाई, तो ये भी हो सकता है। उसने ये तो कहा नहीं कि वाई अक्ष को टच करे ना, वाई अक्ष से अभी कोई कुछ भी नहीं दिखा बोला है, केवल बोला है एक्स अक्ष को टच करना चाहिए, तो ये भी एक्स अक्ष को यहाँ पे टच कर रहा है और इसका केंद्र भी क्या है, एच कॉमा के। ये दूसरी कंडीशन बन गई, एक्स अक्ष पे आप यहाँ पे भी बना सकते हो, खूब दूर बना लो, यहाँ पे बना लो, ये भी सेम एच कॉमा के। ये ऐसा भी हो सकता है, इसका रूप ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो एक कंडीशन और हो सकती है, वो भी मैं देख लूँ, सारी कंडीशन जिसके दिमाग में जैसा भी आ रहा हो सब यहाँ पे मिलेगा। फिर भी अगर कोई केस भैया किसी को अलग से अला आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, उसको भी कंसीडर कर लेंगे। एक ऐसा भी बन सकता है, एक्स अक्ष को ये भी टच कर रहा है ना, देखिए एक्स अक्ष को ये भी टच कर रहा है यहाँ पे, ऐसा भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे ले लें, ऐसा भी बन सकता है, ये भी तो एक्स अक्ष को टच कर रहा है, नीचे जा सकते क्यों, क्योंकि ये भी तो सर्किल है ना, इसका केंद्र भी एच कॉमा के है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे बन सकता है, ऐसे बना दें, तो इसके बहुत से केस बन सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो किताबों में केवल ये डायग्राम गिवन है, ज़रूरी थोड़ी ना है किताब में जो गिवन है वो वही पॉसिबिलिटी हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, और भी हो सकती है। तो यहाँ से इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है, इंजीनियरिंग क्या है, ये है कि क्वेश्चन को देखकर उसकी पॉसिबिलिटीज बनाना, ये एक इंजीनियर का काम है, ना कि कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एच कॉमा के ये पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, तो लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी जहाँ पे बनती हैं वहाँ पे एक इंजीनियर वर्क करता है, ना कि भैया जो गिवन था इसी से हम समीकरण बना देते, एक टॉपिक खत्म हो जाता, तो मैं क्यों पढ़ा, आप बुक से ही पढ़ लेते, एंजॉय कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मैंने इसके केस बनाए, अब मैं इसका इक्वेशन बताता हूँ कि इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, केस आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं,
एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कुछ भी, ठीक है। ये एक पेज क्लियर है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, देन यहाँ से देखिएगा। अब मुझे बनाना है इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे टच करने वाले वृत्त का समीकरण, एक जनरल केस, इस केस के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी केस के लिए जैसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका केंद्र क्या गिवन है, एच कॉमा के, ठीक है। ये हमें इसका केंद्र गिवन है, केंद्र हमें गिवन है या दिया गया, गिवन मतलब दिया गया, केंद्र एच कॉमा के गिवन है। वृत्त का हमें क्या बनाना है, समीकरण फ्रेंड्स, ठीक है। ये बताइए, अगर ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एच कॉमा के का क्या मतलब होता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, या कह सकता हूँ एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर दूरी होती है वो कितनी है, एच, और वाई अक्ष पर दूरी कितनी है, वो हो जाएगी के। यही तो हुआ ना, एच कॉमा के, अगर आपको किसी के निर्देशांक या पॉइंट गिवन है तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे कितना डिस्टेंस है उसका, यह दूरी है एच, एच दूरी है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे कितना दूरी है के, ठीक है। तभी तो इसका पॉइंट है एच कॉमा के, और ऐसा ये सर्कल गिवन है जो टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो ये भैया अगर ये के डिस्टेंस है तो ये तो बन गई रेडियस, रेडियस तो इसने गिवन नहीं थी, तो रेडियस या त्रिज्या कैसे बन गई, मिल गई ना रेडियस, त्रिज्या आर या रेडियस के मिल रही है ना। देखो एक्स अक्ष पे एक बार और बता देता हूँ, दूरी कितनी होगी, अगर एच कॉमा पॉइंट के निर्देशांक गिवन होंगे तो ये एक्स अक्ष पे दूरी हो गई एच, और के वाई अक्ष पे कितना दूरी हो गया के, तो के, अब यही पॉइंट एच कॉमा के बना, ये क्या है केंद्र, तो ऐसे समी वृत्त जाएगा, ऐसे वृत्त जाएगा, तो ये हो गई के, क्या हो गई त्रिज्या, देन त्रिज्या ये हो गई। अब हम बना देते हैं वृत्त का समीकरण, हमारे पास केंद्र के निर्देशांक हैं और त्रिज्या है, वहां से बनता है वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया, ये वृत्त का समीकरण होता है। बस इसमें हम पुट कर देंगे, तो केंद्र तो एच कॉमा के हैं, केंद्र जब एच कॉमा के होता है तब ये वृत्त का समीकरण होता है, केंद्र एच कॉमा के होता है, देन ये वृत्त का समीकरण होता है, पहले लेक्चर में बताया होगा और सबको आता भी होगा। यहाँ से पुट कर दीजिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या कितना है, के स्क्वायर, के स्क्वायर, इसको चाहे ऐसा ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये भी सही है, और इसको ओपन कर लें तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एच एक्स, ये माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू वाई के इक्वल टू के स्क्वायर, ये बाएं पक्ष में भी के स्क्वायर है और दाएं पक्ष में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला पास में रख लिया, माइनस टू एच एक्स माइनस टू वाई के, ये वाला और ये वाला, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये बन गया वृत्त का समीकरण। ये इस केस के लिए है, आप किसी भी केस के लिए बना सकते थे, इसके लिए भी आप बना सकते थे, ठीक है। तो आपको पॉसिबिलिटी सोचनी है और वृत्त के समीकरण बना लेना है, तो वृत्त बहुत सरल टॉपिक है, आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात कर लेता हूँ, सेकेंड केस की बात कर लेता हूँ, केस सेकंड ले लेता हूं, वाई अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, किसको, वाई अक्ष को, वाई अक्ष को स्पर्श कर, तो वाई अक्ष को भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेंगी, ये एक्स हो गया ये वाई हो, अब बोल रहा है केवल वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष को ऐसे भी स्पर्श कर सकता है, ये हो गया एच कॉमा के, वाई अक्ष को ऐसे भी स्पर्श कर सकता है, ना एक्स अक्ष को करे, उसने बोला वाई अक्ष को, तो एच कॉमा के, तो ऐसे आप जैसे फर्स्ट केस उसमें बने थे एक्स एक्सिस वाले, वैसे ही आप सेकंड केस वाले बना सकते हो, तो कैसे बनेंगे, ऐसे इनफाइनाइट केस बन जाएंगे आपके, वाई अक्ष को टच करने वाला ये हो सकता है,
वाई एच को टच करने वाला ये हो सकता है, वाई एच को टच करने वाला ये हो सकता है, ऐसे आपके इनफाइनाइट केस बन सकते हैं। ठीक है, अब इसका समीकरण कैसे आएगा? इसका समीकरण वैसे ही आएगा जैसे उसका आया था। तो मैं एक केस ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ले लिया, केवल y y अक्ष को बोला है, y अक्ष को स्पर्श करने वाले हैं। ठीक, y अक्ष, तो इसका केंद्र क्या है? h कॉमा k है। ठीक, h कॉमा k है केंद्र। तो बताओ h कितना चला होगा x अक्ष पे, वो h डिस्टेंस चला होगा, तो ये हो गया h इधर से इधर तक का। ठीक, एंड y एक्सिस पे कितना चला होगा k, तो k ये हो गया। ठीक, तो ये उसका h है ना, ये दूरी और ये दूरी तो बराबर h है, और ऐसे गया है वो, तो इसका त्रिज्या का मान क्या हो गया? h हो गया ना, तो त्रिज्या h हो गया। यहाँ से समीकरण लिख दीजिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल, एच कॉमा केंद्र था, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या क्या आया? h, तो h स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा यह इतना भी सही है। ठीक है, देन देखते हैं और भी हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ इन्जॉय कर रहे होंगे, और आप ब्रेक भी ले सकते हैं, अगर बोर हो रहे हैं थोड़ा सा तो ब्रेक ले लीजिए, अगर ये बीच बीच में वीडियो को पॉज करके ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट कंटिन्यू मत करिए। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी एक वेल गोइंग प्रिपरेशन कीजिए, मतलब एक अच्छी वे में प्रिपरेशन करना है। कैसे? अच्छी वे में। ठीक है, और हमें सिलेक्टिव स्टडी करना है, हमें गधा नहीं बनना, हमें घोड़े की तरह पढ़ाई स्टडी करनी है, मतलब। ठीक है, केस थर्ड है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि वृत्त का, ठीक है, वृत्त का समीकरण बताना है, जो ऐसा वृत्त हो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता हो, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता हो। अब इसमें क्या बोल दिया? दोनों को। अभी तक क्या था? वो एक अक्ष को बोल रहा था, इसमें क्या है? दोनों। अब आपको केस बनाने पड़ेंगे, कैसे? ये बनना है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो ऐसे बन सकता है। इसमें क्या है? ये एक्स अक्ष को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को। ठीक है, ऐसा बन सकता है दोस्तों, ऐसा भी बन सकता है दोस्तों, एक्स अक्ष को टच कर रहा है, वाई अक्ष को टच कर रहा है, और ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, इस चार से कोई पांचवा केस नहीं बन सकता। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई एक्सिस को टच करने का समीकरण बना लेते हैं। तो हम कोई भी केस ले लें, मैं इसको ले लेता हूँ, केंद्र क्या है? एच कॉमा के। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस होगा? एच, और वाई एक्सिस पे कितना होगा? के, ये के होगा। तो एच और के दोनों इक्वल नहीं होगा, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या तो वृत्त की एक ही होती है। देन एच कॉमा के इक्वल टू क्या ले लें? ए ले लें, या टी ले लो, कुछ भी ले लो। समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच कॉमा के की जगह क्या रख देंगे? ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने ए के वैल्यू के इक्वल रख दिया। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर भी क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? ए के इक्वल है, देन ए स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू वाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आ गया वृत्त का समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी है, इसमें बहुत ही इजी टॉपिक है वृत्त का, और बिल्कुल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमको पॉसिबिलिटीज़, निर्देशांक ज्यामिति में हमको पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना है। कि इसमें एक चीज़ और बताऊँगा, इसमें अगर आपको डायग्राम या फिगर बनाना आ गया तो क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। अगर फिगर बनाना आपको आ गया तो क्वेश्चन आपका लगभग लगभग सॉल्व हो गया। तो कोशिश करनी है कि आप फिगर बनाना सीखें, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, तो फिगर बनाने का आप आइडिया लीजिए, तभी मैं चार चार बार बना रहा हूँ, ताकि आपका ब्रेन इस ओपन हो जाए
कि पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं, ठीक है। बुक में तो इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं गिवन है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैसे आपको पॉसिबिलिटीज को चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो पॉसिबिलिटीज को चेक करके आपको समीकरण बनाने हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज जितनी अच्छी है आप इमेजिन कर पाएंगे, उतना अच्छा समीकरण बन पाएगा। नेक्स्ट केस बनता है फ्रेंड्स, वृत्त का समीकरण किस स्थिति में अंतः खंडों के रूप में, मतलब वृत्त का समीकरण बताना है हमें कि जब वो ये है एक्स अक्ष पे कितना अंतः खंड काट रहा हो, ए कॉमा जीरो, या एक्स अक्ष पे ए डिस्टेंस पे ए इकाई का अंतः खंड और वाई एक्स पे बी इकाई का अंतः खंड काट रहा हो, उस वृत्त का समीकरण हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें उस वृत्त का समीकरण चाहिए एक्स अक्ष पे ए, वाई अक्ष पर बी, अंतः खंड हो जिसका, उस वृत्त का हमें समीकरण चाहिए, क्लियर है। तो ये एक्स अक्ष पे कितना डिस्टेंस काट रहा है, ए, तो इधर तक का एक्स अक्ष पे ये मूल बिंदु 0,0, इधर तक का डिस्टेंस अगर ए है तो इसका पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वाई अक्ष पर 0 होता है, वाई को निर्देशांक एक्स अक्ष पे क्या होता है, 0, ठीक है। अब वाई अक्ष पे आ जाओ, वाई अक्ष पे कितना दूरी गिवेन है, बी, तो वाई अक्ष पे ये बी आ गए इधर से इधर तक, ये इधर पे एक्स अक्ष का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0, और वाई अक्ष का कितना वैल्यू है, बी, तो ये बी। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट हमें क्लियरली पता चल गया, इसका ए कॉमा 0 हो गया, इसका 0,b। अच्छा केस है, ध्यान से समझिएगा, बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, बुक्स में या तो आप डायरेक्ट रट्टा मार लेंगे या इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सी इसका केंद्र है, और कुछ भी नहीं गिवेन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया गया है, ये दिया गया है एक्स अक्ष पर ए दूरी, वाई अक्ष पर बी अंतःखंड, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, क्लियर। ये कोऑर्डिनेट क्लियर हो गए, एक्स अक्ष पे ए कॉमा 0 कोऑर्डिनेट, वाई अक्ष पे 0,b निर्देशांक आपको मिल गए, ठीक। अब हम मैं यहाँ से मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हमें इसका केंद्र का निर्देशांक चाहिए, मतलब ये सी ये होगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वो होगा हमारा एच, सी का निर्देशांक क्या है, एच कॉमा के, तो एच ये हो गया, और क्या क्या के ये जो होगी डिस्टेंस वो एच होगी, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष पे दूरी कितनी होगी, एच, और ये वाई अक्ष पे दूरी क्या होगी, के, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये एच कॉमा के कैसे आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर केंद्र के निर्देशांक एच कॉमा माने हैं तो ए कॉमा 0 ये गिवन, 0,b, तो ये कैसे आएगा। तो यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक, या मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अलग से बना देता हूँ, बड़ा सा ये है और कुछ ऐसा है, ठीक है, समझिएगा, ये आपका ए कॉमा 0 है और ये 0,b है, ठीक है। यहाँ पे ये एच कॉमा के मैंने मान लिए, ठीक, मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, ये बराबर होगी, और ये आपका एच है, ये क्या है एच, ये आपका के है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से बताइएगा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ और ये रेडियस दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या तो इक्वल होती है, तो इक्वल हो गई, तो ये वाली और ये वाली साइड इक्वल, यानी अगर त्रिभुज में दो साइड आमने सामने की इक्वल हो तो उनके कोण भी इक्वल हो, ये कोण और ये कोण भी इक्वल, ठीक, ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अब ये पढ़ा होगा सबने, ये बुक में गिवन नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एंगल इक्वल, ये साइड या ये भुजा इक्वल, और ये परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए, समरूप हो गए, सब कुछ इनका इक्वल है, ये एंगल इक्वल इसके, ये साइड कॉमन, ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, ये, तो जब ये इक्वल, ये कॉमन, तो ये और ये भी तो इक्वल हो जाएंगे ना दोस्तों, ये इक्वल होंगे कि नहीं, क्लियर है ना,
ये इक्वल हो जाएंगे। देन इसका क्या था, 0,0, ये क्या था, 0a,0। तो जब ये इक्वल तो ये पूरा ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू। ये ही बुक में गिवेन है डायरेक्टली कि एच का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए बाई टू हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। ठीक है, समझ में आया ना, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तब ये पूरा ए था, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ ए, या ए बाई टू या ए बटा दो। सेम इधर पे आ जाएगी, इस त्रिभुज को मिला दीजिए, ये आ गया, सेम यही होगा। तो ये कितना था, ये टोटल कितना था, बी बी था ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई टू। तो ये के कितना हो गया, के अब बी बाई टू। ये समझने वाली बात थी जो आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनके कोऑर्डिनेट किताब में डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, कि डायरेक्ट लिख दिया है कि आपका ए बाई टू और बी बाई टू आ जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। ठीक है, कैसे, अब तो आपको सब चीज़ें पता चल गई ना। ये आपको गिवन है, ये ए कॉमा जीरो है, ये 0,b है, इसके कोऑर्डिनेट आपने एच कॉमा के क्या निकाले, ए बाई टू और बी बाई टू। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या ये निकल आएगी 0,0। त्रिज्या आर, आर दो बिंदु के बीच की दूरी का समीकरण क्या होता है, ए बाई टू माइनस 0 एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बी बाई टू माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, आर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, बाई ए बाई टू माइनस 0 तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 का रूट लोगे तो क्या आएगा, 2। तो आर का वैल्यू ये आ गया। ठीक, आर का वैल्यू ये आ गया। प्रत्यय का समीकरण क्या होता है, यहाँ से देखेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, एक्स माइनस ए बटा दो, एच का क्या वैल्यू है, 1/a/2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बटा दो का स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो था ये इम्पॉर्टेंट है समझना, कि ये एच इक्वल टू ए बाई टू का, इसका एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ये इम्पॉर्टेंट है समझना, ये आपका आ रहा है वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स आप बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है देन आप कैपेबल हैं चीज़ों को समझने में। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है देन आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं, आप मैथ्स को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, नहीं आ रहा है तो दोबारा समझने की कोशिश करें, फिर भी नहीं आ रहा है देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत इजी होने, आप ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चन को डील कर लोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप करने वाले हो एग्जाम में, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंजॉय करिए। ठीक है, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सारे में आप क्वेश्चन ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट आपको आ रहा है देन आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस की नीड है, बट प्रैक्टिस तब होगी ना जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, समझ के रट्टा मारने से सब कुछ होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझिएगा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र।